एवरीवन, एम नी टू गैल एंड टुडे वी डिस्कस ऑन फजी सेट ऑपरेशन। इससे पहले हम काफ़ी ऑपरेशन देख चुके हैं फजी सेट के। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें दो सेट गिवन होते हैं और उनके जो एलिमेंट हैं वो क्या है। अब तक हमने क्या देखा था कि जो सेट गिवन है ए एंड बी, उसके जो एलिमेंट की जो है वो सेम होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिया, इसमें वाई वन वाई टू और वाई थ्री लिया। मीन्स हमारे मेंबर भी चेंज होने वाले हैं और मेंबरशिप वैल्यू भी दोनों चेंज है इसमें। लेकिन हमने पहले क्या देखा था, वैक्टर देखा था। तो वेक्टर में क्या होता था, वेक्टर में हम यहाँ पे क्या डॉट यूज़ करते थे, लेकिन क्रॉस में क्या यूज़ करते हैं, हम क्रॉस यूज़ करते हैं। तो वेक्टर में क्या था कि हमने क्या करते थे, सिर्फ हमें सेम जो दो सेट गिवन है उनमें क्या है एलिमेंट सेम होते थे और उन दोनों की जो मेंबरशिप वैल्यू थी उनसे मल्टीप्लाई कर देते थे। आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं वेक्टर कैसे किया गया था। तो इसमें हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें जो एलिमेंट है वो हमारे एलिमेंट भी वेरी है, मीन्स डिफरेंस, और उनकी मेंबरशिप वैल्यू भी डिफरेंस है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो निकालने का क्या फार्मूला है, न्यू मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द सेट ए एंड बी पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द सेट ए एक्स एंड मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द सेट बी पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स। मीन्स हमें क्या करना है, मेंबरशिप वैल्यू निकालनी है जिसकी मिनिमम होगी दोनों सेट में से, वही हमारी क्या आ जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व करना काफ़ी आसान है। तो हम इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे ए क्रॉस बी को। तो इसमें क्या है, जो सेट ए है उसके एलिमेंट हम ऊपर लिखेंगे, एक्स टू वाई टू एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे वाई वन वाई टू और वाई थ्री। अब क्या करेंगे, एक्स वन की और वाई वन की कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में छोटा कौन सा है, मिनिमम है 0.2, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.2। अब एक्स टू और वाई टू की कंपैरिजन करेंगे, या सीधा ही फर्स्ट एलिमेंट की सबके साथ कंपैरिजन करेंगे, एक्स वन की अब एक्स वाई टू के साथ करेंगे, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा हमें मिनिमम मिलेगा 0.1। अब 0.2 की वाई थ्री के साथ करेंगे 0.5, तो मिनिमम क्या है 0.2। ऐसे ही एक्स टू की अब सबके साथ कंपैरिजन करेंगे, एक्स टू की मेंबरशिप वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.4, और बी की में जो एक्स वाई वन है उसकी वैल्यू 0.3 है, तो मिनिमम कौन सा है 0.3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.3। फिर एक्स टू की वाई टू के साथ, तो इनमें से मिनिमम कौन सा है 0.1, और इन दोनों में से करेंगे तो मिनिमम कौन सा है एक्स टू। तो जिसकी भी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पुट करते चले जाएंगे। तो ऐसे हमारी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आंसर आएगा। अब एक्स थ्री का निकालेंगे, तो एक्स थ्री का हमारा क्या आएगा, एक्स थ्री की कंपेरिजन करेंगे इसके साथ, तो मिनिमम कौन सा है वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। फिर वाई टू के साथ करेंगे तो वाई वन की वैल्यू है फिर यहाँ पे भी, ये तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। वेरी सिंपल, वो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो एलिमेंट है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और मल्टीप्लाई करनी है, और जो इनमें से मिनिमम है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट थी। नेक्स्ट में हम कुछ ऑपरेशन पर फिर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।